मुंबई विधानसभा में बाबा साहब का पहला कदम क्या था? बाबा साहब के लिए 24 फरवरी 1927 में किए गए विधान परिषद में पहला भाषण क्या रहा था? उन्होंने किस तरीके से अपनी आवाज को दलितों के दिलों तक पहुंचाया? आइए जानते हैं बाबा साहब की 24 फरवरी 1927 की कहानी। बाबा साहब ने 24 फरवरी 1927 को मुंबई विधान परिषद में अपना पहला भाषण बजट पर दिया। उन्होंने कहा कि माल्य और आयकर लगाते समय सरकार ये भूल जाती है कि आयकर केवल उसी समय देना पड़ता है जब आय हो, परंतु भूमि का मालिया हर किसी को देना पड़ता है, चाहे वो छोटा किसान हो अथवा बड़ा जागीरदार, फसल हो या ना हो, परंतु बेचारा किसान को तो माल्य देना ही पड़ता है। उन्होंने कहा कि यह अन्यायपूर्ण है। शिक्षा की मदद का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी चीज है जो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। शिक्षा सस्ती से सस्ती हो ताकि निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी शिक्षा प्राप्त कर सके। परिषद में बाबा साहब ने दलित वर्गों के विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल खोलने का सुझाव भी पेश किया। परिषद को नशाबंदी का सुझाव देते हुए बड़े जोरदार ढंग से बताया कि शराबखोरी राष्ट्र तबाह करने वाला तत्व है, अतः इसे समाप्त करके उन्नत राष्ट्र का निर्माण किया जाए। चाहे नशाबंदी से कितनी भी राजस्व की हानि क्यों ना हो, यूनिवर्सिटी स्नैच पर बहस करते हुए मांग की कि स्नैच में पिछड़े व दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व भी लिए जाएं। अच्युतों की सरकारी नौकरी में भर्ती और उन्नति संबंधित प्रश्न उठते हुए परिषद का ध्यान मुंबई के पुलिस कमिश्नर द्वारा दलितों को पुलिस में भर्ती ना करने की ओर दिलाया। उनका हुक्म था कि छोटी जात वाले पुलिस में नहीं भर्ती हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ छोटी जात में पैदा होने के कारण छोटी जातों की समस्या पर बोलते हुए बाबा साहब ने कृषि में सरकारी पदवी प्रचलित करने की वकालत की। डॉक्टर अम्बेडकर साहब विधान परिषद की प्रत्येक कार्यवाही में गहरी रुचि लेते थे, परंतु जहाँ तक अछूतों की समस्याओं का समाधान है वह बहुत तीव्र दृष्टि रखते थे। बड़े प्रभावशाली तथा तर्कपूर्ण तरीके से अपनी बात रखते थे। प्रसूति अवकाश देने संबंधित बिल के समर्थन में बोलते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि माताओं को प्रसव के समय और उसके पश्चात विश्राम के लिए अवकाश मिलना चाहिए, इसी में राष्ट्र का हित है, ताकि वह अपने साथ साथ अपने बच्चों का भी ध्यान रख सके। इससे बाबा साहब ने महिलाओं के प्रति अपना एक स्थान बना लिया था। उस समय का कानून महारों से सरकारी कामों के लिए बेगार लेने की इज्जत देता था। यदि कोई महार मौजूद ना हो तो उनके पिता या समान स्तर के किसी सदस्य को बेगार पर ले जाया जाता था। बेकार प्रथा के महार का गौरव खत्म करके राख दिया था, वह जीवित ही मरे हुए के समान थे। उनका उत्सव योग्यता को इच्छाएं सब कुछ बेकार व दबोच रखी थी। बेकार रूपी दस्ता की तोड़ने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने विधान परिषद में बिल पेश किया और पास करवाया, जिसके तहत दलितों को अपने अधिकारों के प्रति अनुभूति हुई और वह उन्हें समझ के उन पे कार्य करने लगे। इसके साथ साथ बाबा साहब ने कई और कार्य करते हुए दलितों को सामने लाया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।